हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना नेहरू। आज हम बात कर रहे हैं ज़ोलो मोबाइल के बारे में कि आप EAR2 इस मॉडल को आप गूगल लॉग FRP लॉग अनलॉग कैसे करेंगे। अगर आपको देखना है सीखना है तो इस वीडियो को अब लास्ट तक देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे EX मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे अगर कंप्यूटर पर देख रहे हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं दोस्तों तो आप वीडियो के नीचे यहाँ सब्सक्राइब बटन होगा, इस सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सोचेंगे दोस्तों कि सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे तो इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे अगली वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन है चाइनीज का एक्सलो, इसे हमें अनलॉक करना है। इसमें FRP लॉक मांगा जा रहा है, गूगल लॉक, ठीक है। तो हमें इसे अनलॉक करना है बिना किसी बॉक्स के। दोस्तों इस मोबाइल को फास्ट बूट मोड पे लाने के लिए हमें वॉल्यूम प्लस और पावर की एक साथ दबा के रखना होगा, और जब जैसे ऑन होगा तो हमें पावर की छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे मोड आ जाएगा। सबसे इसके दूसरे नंबर पर है इसका बूट लोडर है, तो बूट लोडर पे हमें क्लिक करना है पावर की दबा करके, और इसका बूट जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बूट लोडर पर जैसे मैंने पावर की दबाया तो यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं कि इसका फास्ट बूट मोड आ चुका है। अब इसे हमें कंप्यूटर में कनेक्ट करना होगा डाटा केबल के जरिए से। इसके बाद हमें जो FRP टूल है हमारा फास्ट बूट एंड्रॉयड फास्ट बूट, इस टूल को हमें ओपन करना होगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रहे कि जब भी इसे आप ओपन करेंगे तो आप जो है अपना एंटीवायरस, आपके कंप्यूटर में जो एंटीवायरस होगा उसे आप डिसेबल कर देंगे, क्योंकि अक्सर इस सब जो FRP टूल में वायरस होता है, तो आप अपने एंटीवायरस को डिसेबल करके ही इसे ओपन करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको ADB ड्राइवर जो है ऊपर में सबसे देख रहे हैं, ADB ड्राइवर को आपको इंस्टॉल कर देना है, क्योंकि इसे बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट बूट मोड जो बिल्कुल कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो ये ADB ड्राइवर की वजह से ही होता है। तो ये ADB ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। और आप मोबाइल जो कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो आपको देख लेना है डिवाइस मैनेजर में कि आपका मोबाइल जो है डिवाइस मैनेजर में कनेक्ट है कि नहीं, ये चीज़ को आपको देख लेना है। इसके बाद जब आप FRP टूल को ओपन करेंगे दोस्तों तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल को अनलॉक करना है, कौन से मोबाइल का FRP लॉक आपको अनलॉक करना है, तो यहां पे सब दिखा रहा है। अगर स्पीड ड्रम IC है या कूल क्लैम है, जो भी है जिस टाइप का भी है, तो यहां पे नंबर दिया हुआ सब में कि रिमूव स्पीड ड्रम FRP। तो मान लीजिए चलिए पे 9 नंबर पर दिखा रहा है, तो नीचे में आपको 9 टाइप करना होगा। दोस्तों यहां नीचे देख रहे हैं आपको, यहां पे आपको 9 लिखना होगा और उसके बाद इंटर पे क्लिक करना होगा, आपका FRP जो है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों जरूरी बात तो ये होता है कि आपको पता करना है कि आपका जो जिस मोबाइल को आप अनलॉक कर रहे हैं वो मोबाइल जो है उसमें CPU जो लगा हुआ है वो कौन सा IC है, स्पीड ड्रम है, कूल क्लैम है या MTK है, जो भी है उसका आपको पता लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। उसी के हिसाब से ही आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने नीचे में 9 टाइप कर दिया है, उसके बाद हमें अपने कीबोर्ड से इंटर दबाना है। जैसे हम इंटर दबाएंगे हमारा FRP जो है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो FRP अनलॉक हो चुका है, और इसके बाद हमारा मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे दोस्तों तो इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।